आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आस्था सिन्हा। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले भर में खूब धूमधाम से की गई शिल्पी देव भगवान विश्वकर्मा की पूजा। तमाम कारखानों, प्रतिष्ठानों आदि में मूर्ति स्थापित कर की गई आराधना। वहीं कई स्थानों पर सामूहिक भोज का भी किया गया आयोजन। उत्साह से भरा रहा माहौल। अरबों की योजना का किया गया उद्घाटन और शिलान्यास। सदर विधायक ने किया 4 योजनाओं का शिलान्यास। पीरटांड प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया उद्घाटन। इधर गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी किया 6 योजनाओं का शिलान्यास। सदर प्रखंड में ग्राम विकास महोत्सव का हुआ आयोजन। उपायुक्त राहुल सिन्हा समेत कई वरीय पदाधिकारियों की रही उपस्थिति। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास योजना की दी गई विस्तृत जानकारी। कईयों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। और प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को लेकर भाजपाइयों में दिखा खासा उत्साह। सदर अस्पताल में मरीजों के बीच किया गया फलों का वितरण। सदर अस्पताल की व्यवस्था का लिया गया जायजा। सदर विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता रहे कार्यक्रम में मौजूद। अब खबरें विस्तार से। शिल्पी देव विश्वकर्मा की पूजा मंगलवार को जिले भर में खूब धूमधाम से की गई। इस दौरान जिला मुख्यालय समेत लोह नगरी क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा की धूम रही। लोगों ने अपने व्यवसाय में प्रयोग होने वाली तमाम सामग्रियों का विश्वकर्मा भगवान के नाम से पूजा अर्चना की। वहीं कई लोग विश्वकर्मा पूजा के लिए सुबह से ही अपने वाहनों को साफ सुथरा करते पूजा करते नजर आए। पूरे देश के साथ साथ गिरिडीह जिले में भी बाबा विश्वकर्मा की पूजा मंगलवार को बड़ी ही धूमधाम से की जा रही है। हर साल विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है, इसलिए इस दिन उद्योग, फैक्ट्रियों और हर तरह की मशीनरी की पूजा की जाती है। गिरिडीह के बस पड़ाव, नगर पालिका, पचम्बा रोड, टुंडी रोड सहित विभिन्न मोटर गैरेजों में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। अरे अमिता, भगवान की जय। भगवान की जय। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा की जोरदार धूम रही। मोंगिया स्टील में विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ गतिविधियां संचालित की गई। मौके पर मोंगिया स्टील के निदेशक कुनवंत सिंह सलूजा ने पर्यावरण की रक्षा में लोगों को जुड़ने का आह्वान किया। आस्था के साथ हम लोग अपने फैक्ट्री में मुंगिया स्टील में विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं। आज विश्वकर्मा पूजा के दिन में हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम लोग फैक्ट्री के बारे में
जो हमारे सबसे बड़े इंजीनियर विश्वकर्मा भगवान की दया से जो हम लोग फैक्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं उसमें किस तरह से काम करें कि जो हर तरह से अच्छा काम हो सके, जैसे हम लोग अपनी क्वालिटी को सुधारें, हम लोग अपने काम करने के तौर तरीके को सुधारें, हम लोग पर्यावरण को सुधारें, हम लोग इस तरह से काम करें कि हर क्षेत्र में एक अच्छे तरह का काम हो और एक ऐसी मिसाल कायम हो कि जो भी देखे वो इस चीज़ को माने कि अच्छे तरह से काम करने का हमेशा अच्छा रिजल्ट ही मिलता है। और हम लोग जितना अच्छे से प्रयास करेंगे, जितने सच्चे मन से प्रयास करेंगे, जितनी भगवान पर आस्था रख के प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हम लोग पूरी मेहनत के साथ इस चीज़ का वादा करते हैं कि हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ ही फैक्ट्री को चलाएंगे, ताकि सब हम लोग जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर क्षेत्र में विकास हो, उसी तरह हम लोग भी उनके साथ हैं कि हर क्षेत्र में विकास हो। हम लोग मैसेज यही देते हैं अपनी ओर से कि जो भी प्लांट लगते हैं उसमें कुछ न कुछ उत्सर्जन इस तरह का होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, तो उस पर्यावरण के जो नुकसान है उसको बचाने के लिए हम लोग उसके साथ साथ उतने पेड़ लगाएं, उतने पर्यावरण को बचाने के प्रयास करें, ताकि ये इको फ्रेंडली हर चीज़ को हम लोग संभाल के चलें। हमारी आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो हमें ये ना दोष दें कि हमने कुछ गलत किया था। आने वाली पीढ़ियों को इसका फ़ायदा मिलता है और हमारे सारे समाज को इसका फ़ायदा मिलता है, इसलिए हमें हर समय ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग वृक्षारोपण करें। ये तो हमारी फैक्ट्री के अंदर है, हम फैक्ट्री के बाहर भी सभी जगह चाहते हैं कि जितना ज़्यादा कहीं भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है, मेरा पहला प्रयास रहता है कि उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, उसके साथ में इस तरह के उसके गैबियन लगे जो कि बचा के हम लोग वृक्ष जो लगाए हैं वो बचें। और इस तरह का हम लोग अब ये जो संदेश देते हैं सब लोगों को इसमें जोड़ने के लिए कि हम लोग सब मिल करके प्रयास करेंगे तभी यह प्रयास सफल होगा, क्योंकि एक आदमी के करने से काम नहीं होता। हम लोग सारे मिल करके इस देश को मजबूत बनाएं और सारे मिल के इस पर्यावरण को मजबूत बनाएं। इधर लाल स्टील में भी पूजा पाठ के साथ साथ वृहद भंडारे का आयोजन किया गया। मौके पर लाल स्टील के CMD जयप्रकाश लाल, अजय लाल, बबलू लाल, रामप्रसाद चौबे, डॉक्टर आरती लाल समेत कई आगंतुक मौजूद थे। वासियों को विश्वकर्मा जी का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं यहां के गिरिडीह की आम जनता को। मैं लाल स्टील परिवार की ओर से हर वर्ष, आज से नहीं बल्कि 1986 से हम लोग भगवान विश्वकर्मा का पूजा करते हैं और जितने भी हमारे शहर के तमाम अच्छे लोग हैं, जितने भी आम जनता हैं, सबको हम लोग खुले आमंत्रण देते हैं कि यहाँ पर आएं, भगवान का श्रद्धा से पूजन करें और हम लोग जो है नित्य इनका प्रसाद का वितरण करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। किन्हीं को कार्ड के द्वारा हम लोग निमंत्रण नहीं देते हैं, ये गिरिडीह की जनता और आम लोग जानते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सदैव की मतलब पहले जिस तरह से हम लोग विश्वकर्मा भगवान का पूजा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और हम लोग खुले दिल से यहाँ की जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये जो मंदिर है भगवान विश्वकर्मा का, यहाँ पर जो भी आम लोग आते हैं सबको एक समान एक दृष्टि से प्रसाद का वितरण किया जाता है और भगवान विश्वकर्मा के नाम पर जो भोग लगता है वो हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। धन्यवाद। इसी तरह भारद्वाज स्टील में अशोक सिंह, भाजपा नेता बबलू भारद्वाज, अजित सिंह पप्पू, सुबोध सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। यहां भी पूजा पाठ के बाद सामूहिक खान पान का आयोजन किया गया। इधर तफकोन TMT फैक्ट्री में भी खूब धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा की गई।
बताया गया कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर देश भर में अरबों रुपयों के विकास योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास मंगलवार को विधायक निर्भय सहवादी के हाथों कराया गया। बताया गया कि बनियाडी मटरूखा रोड यानी बगुलवा टान से पूर्णा नगर तक पथ निर्माण कार्य, पीरटार थाना से कंजिया तक पथ निर्माण, गिरिडीह महेश मुंडा पथ पर फुलजोरी तक सड़क निर्माण, बिसनपुर पंचायत में अंगिया के गमडूबा नदी में सेतु निर्माण कार्य का शिलान्यास और पीरटार के प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का उद्घाटन विधायक निर्भय सहवादी के द्वारा कराया गया। मौके पर भाजपा नेता मनोज सिंह, संत कुमार लल्लू, संजय सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, अरुण कुमार, दीपक स्वर्णकार समेत पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी व इलाके के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अरबों रुपये के योजना की शुरुआत की गई है। भाजपा शासन विकास योजनाओं को गति देने में तत्पर है और आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का आज रखा गया। मेलेगढ़ी विधानसभा क्षेत्र में चार महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और एक योजना जो पीरटार ब्लॉक का है उसका उद्घाटन आज ही के दिन हुआ है। आज कई लाभुकों को हम लोगों ने स्वीकृति पत्र वितरित किया है। सुबह से ही हम लोग कार्यक्रम ले रहे हैं। आज मरीजों के बीच में हम लोग सब अपने साथियों के साथ मिल करके गिरिडीह सदर अस्पताल में मरीजों के बीच में फल वितरण किया गया और उसके बाद सेवा यात्रा के तहत हम लोगों ने पॉलिथीन बैन करने के लिए हमने पद यात्रा की कि लोग जो भी है दुकानदार है पॉलिथीन नहीं लगा इसके लिए पद यात्रा की गई। उसके बाद स्वीकृति पत्र देने के बाद आज यहाँ पे बगजोगरा चिलगा में हम लोग बैठे हुए हैं और ये योजनाओं का शिलान्यास किए। इसके बाद अभी आज ही के दिन जाकर के पीरटार ब्लॉक का शुभारंभ कराना है, आज लोकार्पण है और साथ ही वहाँ गंडूबा नदी पे एक पुल का निर्माण के लिए आधारशिला रखनी है। थाना मोड़ से लेकर गुंजिया तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई, उसका भी शुभारंभ वहाँ करना है। वहाँ जाकर के वहाँ के लोगों को, पीरटार के लोगों को के समक्ष हम लोग जर्जर सड़क के पक्कीकरण को लेकर काफी समय पूर्व से आंदोलन कोवाड़ एवं अन्य ग्राम के लोग कर रहे थे। आखिरकार उनका प्रयास रंग लाया और मंगलवार को गांडी विधायक ने 6 सड़कों का शिलान्यास किया। मौके पर ग्रामीण काफी खुश दिखाई दिए। गिरिडीह के कोवाड़ में मंगलवार को 6 सड़कों का शिलान्यास गांडी विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने विधिवत रूप से किया। बताया गया कि इस क्षेत्र में सड़कें नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांडे विधानसभा के कसियाडी, बंदरकुप्पे से लेकर अन्य जगहों पर सड़कों का शिलान्यास किया गया है। सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से सड़क निर्माण को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, अब जाकर उनकी मांगें पूरी हुई है। ग्रामीणों ने इसके लिए क्षेत्र के विधायक प्रोफेसर वर्मा का आभार व्यक्त किया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद वर्मा,
महिंदर वर्मा, मुखिया अलकुंदा, 20 सूत्रीय अध्यक्ष भागीरथ मंडल, प्रखंड अध्यक्ष वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा, पंचायत समिति सदस्य प्रयाग प्रसाद वर्मा, वरिष्ठ मुखिया जनार्दन साव के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे। इस देश के सर्वोत्तम लोकप्रिय और पूरे विश्व के मानस पटल पर भारत का मान सम्मान को बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई पूरे गांडी विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से देता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के लिए भी दोहरे खुशी की बात है, क्योंकि पूरे झारखंड में जितने भी प्रकार के विकास के कार्य हम धरातल पर उतारना चाह रहे हैं और जो भी अंतिम दौर के विकास के कार्य देश के बनती है, अंतिम दौर के जो विकास के कार्य हैं उन कार्यों का आज हम लोगों ने शिलान्यास किया। बहुत सारे सड़कों का गिरिडीह जिला में अगर आप बात करें तो आज 28 सड़कों का गिरिडीह जिला में शिलान्यास हो रहा है और उस 28 सड़कों में से 6 सड़कें गांडे विधानसभा की है और उसके अलावा बहुत सारे पुलों का भी आज शिलान्यास भी हो रहा है। कि आज सभी पंचायतों में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम तय किए गए हैं और सभी जगह प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र, सहमति पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब व्यापक कार्यक्रम को लेकर के आए हैं, लगातार जनता की हम सेवा कर रहे हैं, परंतु आज का दिन कुछ विशेष है, कुछ खास है और इसी प्रकार से सेवा सप्ताह के तौर पर भी इस पूरे सप्ताह को मनाया जा रहा है 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हम लोग एक सेवा सप्ताह के रूप। सदर प्रखंड परिसर में मंगलवार को कई लोग सरकार के विभिन्न लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए। यहां मौका था ग्राम विकास महोत्सव कार्यक्रम का। इस दौरान उपायुक्त गिरिडीह ने सरकार के विभिन्न विकास कार्य योजनाओं की जानकारियां लोगों से साझा की। गिरिडीह सदर प्रखंड परिसर में मंगलवार को ग्राम विकास महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में DDC मुकुंद दास, अंचल अधिकारी रविंद्र कुमार सिन्हा, BDO विभूति मंडल प्रमुख पूनम देवी समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्य योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कई लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन आदि का लाभ प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। सभी को स्वागत किया जाए। पंचायत पहाड़पुर स्वागत किया चाहिए। उन सभी को मुख्य धारा में लाना, उनकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, पेंशन हो या राशन हो या अन्य कोई भी कुआं या सड़क या बिजली पानी का भी यहाँ पे लोग उपस्थित है, यही आवश्यकता है कि जितने भी वैसे योग्य लाभुक हैं उन सभी को पूछ पूछ कर इन सारे लाभ की पूर्ति कराई जाए और इसके लिए आप सभी का सहयोग इसमें नितांत आवश्यक। कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य की कमी की वजह से सभी योग्य लोगों को नहीं मिल पाता है, उस आयोग को मेरा यही अनुरोध रहेगा कि कृपया लक्ष्य तैयार करने की कोशिश करें, जो अयोग्य लोग विभिन्न लाभ
इन्हें लाभ का फायदा उठा ले रहे हैं, उनको सूची से हटा कर योग्य लोगों को जोड़ने की दिशा में कर रहे थे। और इसमें जितने भी सामान्य जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी का विशेष योगदान आवश्यक हो रहा है। सरकार काफी पैसे काफी राशि उपलब्ध कराती है गाँव में प्रखंडों में पंचायतों में खर्च करने कतिपय कारणों से उस पैसे को खर्च कर पाने में संबंधित अथॉरिटी संबंधित अधिकारी थोड़े असमर्थ हो जाते हैं। कहीं कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पाती है, कहीं समितियां नहीं समय से निर्धारित हो पाती हैं। तो मेरा आज इस महोत्सव के शुभारंभ में भी सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध रहेगा, सभी शिक्षा विभाग के लोगों से अनुरोध रहेगा कि अगर आपके खाते में किसी प्रकार की राशि पड़ी हुई है और आपको अधिकार है उसको खर्च करने का तो कृपया उसको नीट में खर्च करना सुनिश्चित करो। ये जो सप्ताह है सेवा समृद्धि का ग्राम विकास महोत्सव का ये बिल्कुल उचित समय है उन सभी पर आगे बढ़ जाने का, फिर चाहे वो 14 वित्त आयोग में माननीय मुखिया के द्वारा खर्च कर जाने वाली राशियों की कार्यकारिणी की बैठक नियमित रूप से करा के उसमें योजना पारित करा कर ले सकते हैं। सभी विद्यालयों में शिक्षा समिति होती है, प्रबंधन समिति होती है, उनके पास भी काफी राशि होती है जिससे कि वह अपने विद्यालय के अंदर छोटे बड़े कार्य कर ले सकते हैं। अन्य आदिवासी विकास समिति ग्राम विकास समिति कमल क्लब के पास सरकार के द्वारा काफी राशि भिजवाई गई है लेकिन उसे खर्च कर पाने किसी प्रकार की परेशानियां अगर पहले हो रही थी तो अनुरोध यही रहेगा इस सप्ताह में उन सबको दूर करा देते प्रारंभ करा दिया जाए। आगामी 3 महीनों में फिर विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो जाते हैं तो उसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है कई कारणों से, तो अनुरोध रहेगा कि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। यह पूरा एक सप्ताह इसी के लिए डेडिकेटेड है। गिरिडीह विधायक निर्भय शाहवारी ने मंगलवार को सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फलों का वितरण किया। बताया गया कि भाजपा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, इसी के तहत यहां फलों का वितरण किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा इसे सेवा सप्ताह के रूप में संपूर्ण देश में मना रही है। इसी कड़ी में सदर विधायक निर्भय शाहवादी के सौजन्य से सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया। मौके पर विधायक के साथ निगम के मेयर सुनील पासवान, भाजपा नेता हरमिंदर सिंह बग्गा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा रागिनी लहरी, किरण राज, शिवाजी सिंह, विनय सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सभी कार्यकर्ता उनके सोच के अनुरूप सेवा से संबंधित कार्यों में दिन भर व्यस्त रहेंगे और सामाजिक बदलाव और लोगों के उत्थान के कार्यों में लगे रहेंगे। ऊपर नहीं चाचा बच्चा ऊपर पीछे का आना चाहिए विश्वकर्मा जी का भी। जरा पीछे रही हूँ चाची, बैठ जाओ बैठ जाओ। बात हुई है कि नए भारत के निर्माता परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिवस हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और देश सेवा में लगातार जिस तरह से उन्होंने तत्परता दिखाया उसी तत्परता के साथ में देश की सेवा करें ऐसे भारत के 130 करोड़ जनता के मन में है कि वो दीर्घायु हों और देश की सेवा में लगातार तत्पर रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी को मेरा बहुत ही प्रेम भरा नमस्कार है, भगवान विश्वकर्मा के चरणों में मेरा शीश। साथ ही साथ इस देश के भारत के नवनिर्माण की ओर ले जाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिवस है और इस जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने इसमें माननीय विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने सदर अस्पताल आकर के गरीबों के बीच में और जो
स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं यहाँ पे, उनके बीच में आज फल वितरण किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। और इसी में हम इस भगवान भोले से आराधना करते हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को दीर्घायु होने की कामना करते हैं, और आप सभी को पुनः विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विनय चेंजर के दूसरे क्लिनिक का मंगलवार को डॉक्टर्स लेन में विधिवत उद्घाटन किया गया। बताया गया कि इस क्लिनिक में ताप और मसूड़ों से संबंधित बीमारियों का विश्वसनीय सेवाएं मरीजों को प्रदान की जाएगी। मगतपुर स्थित डॉक्टर्स लेन में मंगलवार को विनय डेंटल नामक डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। मौके पर डॉक्टर अंकित कुमार, डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शी समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बताया गया कि आधुनिक तकनीक से लैस क्लिनिक में दांत और मसूड़ों से संबंधित तमाम तरह की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। बताया गया कि विनय डेंटल क्लिनिक के नाम से पहले भी टावर चौक के समीप एक क्लिनिक संचालित है। यहाँ की विश्वसनीय सेवा और शहरवासियों के रुझान को देखते हुए इस दूसरी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। आदमी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही दांत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं आगे एस्थेटिक और हेल्दी कंसर्न में, हेल्थ के कंसर्न में। एस्थेटिक खूबसूरती और हेल्थ, जो हमारे शरीर में पौष्टिकता एवं हमारा खान पान की वजह से जो शरीर में मजबूती वगैरह रहती है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है दांतों का। तो हम यही प्लान करते हैं, गिरिडीह में भी जितने डॉक्टर्स हैं सब यही प्लान करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों अपने डेंटल हेल्थ को लेकर, और अपने, क्योंकि डेंटल हेल्थ जो है फिजिकल फिटनेस को इफेक्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंटल हेल्थ जब अच्छा रहेगा तो हमारा फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव करेगा, साथ में एस्थेटिक्स भी इम्प्रूव करेगा। दांतों की सफाई करना, इम्प्लांट करना, पाइलिया का इलाज, RCT, गैर मजुरवा खास रायतों की भूमि प्रतिबंधित सूची में डालने पर गिरिडीह अधिवक्ता संघ ने ऐतराज जताया है। वकालत खाना में सोमवार को हुई बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसका कड़े शब्दों में विरोध किया। गैर मजरुआ खास रैयती जमीन को भी प्रतिबंधित सूची में डाले जाने का जिला अधिवक्ता संघ ने जोरदार विरोध किया है और सरकार के इस निर्णय की कड़ी निंदा की है। इस मामले को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत की अध्यक्षता में सोमवार को अधिवक्ताओं की बैठक हुई। बैठक में सरकार के फैसले का विरोध सड़क पर उतर कर करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि सरकार ने एक बड़ी साजिश रची है और रैयतों को बेदखल कर उनकी जमीन पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित करना चाहती है। इससे रैयतों में काफ़ी आक्रोश भी है। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत ने कहा कि गैर मजरुआ खास जमीन बचाने की आड़ में सरकार ने असंवैधानिक निर्णय लेते हुए फिलहाल न सिर्फ ऐसे जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है, बल्कि लगान रसीद भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में स्थापित कानून है कि किसी गैर मजरुआ खास जमीन पर यदि कोई रैयत 30 वर्ष या इससे ज़्यादा समय से लगातार काबिज है या उनका जमाबंदी कायम है तो उस भूमि का स्वामित्व उस रैयत की होगी। ऐसे रैयतों की जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती। कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी जिस तरह की परिस्थितियाँ बना रहे हैं उससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि पूरा खेल अवैध उगाही के लिए किया जा रहा है। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार रैयत अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाने और अधिकारियों की मनमानी सहने के लिए विवश हो जाएंगे। बैठक में कौशल कुमार सिन्हा, अजीत सिन्हा, रूपक कुमार, अमित सिन्हा, अनिल सहाय, स्वरूप सिन्हा समेत कई लोग उपस्थित थे। जमीन की जमाबंदी उस रैयत का रद्द नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने भी क्या किया, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, केवल इस जिले में लगभग 7 लोग रैयतों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। बकास जमीन
जो जमींदार का जमीन होता था और वो जमींदार जिसको दिया वो उसका रैयत हुआ, उस जमीन पर भी सरकार की नजर है और वैसे जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया है। अब राज्य में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कोई व्यक्ति अगर उसको कोई संकट है तो अस्थायी संपत्ति लोग इसलिए अर्जित करता था कि जरूरत पर उसके उसको बेच करके उसको गिरवी रख करके वो अपना जरूरी काम कर सके। आप अभी रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाइए, किसी रैयत का ना तो रजिस्ट्री हो रहा है ना म्यूटेशन हो रहा है। तो ये जो सरकार कर रही है, अब सरकार कह रही है कि आप दस्तावेज निकालो, आप भाई दस्तावेज रखने की जिम्मेवारी सरकार की है तो उसके अपने को बचाने के लिए रैयतों को ढूंढ रही है, बहाना बना रही कि आप कागज दिखाओ। कागज सरकार को दिखाना है और वैसे मामले में छोटी छोटी त्रुटि निकाल करके रैयत को परेशान कर दिया है सरकार ने। हम लोगों ने ये तय किया है कि अभी हम ज्ञापन देंगे कल उपायुक्त महोदय को, उनके माध्यम से राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, और उसके बाद हम लोग सड़क पर उतरेंगे इसके खिलाफ में। एक एक रैयतों को हम तो कहते हैं कि सरकार 7 लोगों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया, क्या उन लोगों को नोटिस किया, उनको बताया? सरकार में अगर थोड़ा सा भी बचा है हम लोग उसको कहते हैं नैतिकता, तो वो वैसे रैयतों को पहले नोटिस करे, उनसे पूछे, उनको बताए। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष हुकुम चंद सावला के गिरिडीह पहुंचने पर सोमवार को विहिप बजरंग दल दुर्गा वाहिनी ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। इसके बाद श्याम मंदिर में एक बैठक के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष हुकुम चंद सांवला सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान बड़ा चौक में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद ICR रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में बैठक की गई। श्री सांवला ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और जल्द ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा। कहा कि 2025 तक भारत सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अखंड हो जाएगा। इस धरती पर गौ माता अहिंसा की प्रतीक है, गाय समरता की देवी है, हिंदुस्तान में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, गाय के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इधर इस मौके पर प्रांत के सहमंत्री विजय पांडे, विभाग के अध्यक्ष सच्चिदानंद प्रसाद, विभाग के धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख अनूप यादव, विभाग मंत्री मनोज चंद्रवंशी, हजारीबाग विभाग के सर संघचालक अर्जुन मिष्टकार, जिलाध्यक्ष अश्वनी भदानी, बजरंग दल संयोजक मनोज सिंह, जिला कोषाध्यक्ष रोहित नारायण सिंह, रविशंकर पांडे, रितेश पांडे, शक्ति साहा, प्रांत संगठन मंत्री देवी सिंह, गुड्डू यादव, रितेश कुमार, सीताराम हिंदू, उत्कर्ष पांडे, विनय सिंह आदि मौजूद थे। सामने से खरगोश निकला, शेर ने खरगोश को पकड़ लिया, उल्टा लटकाया, हिला कर पूछा क्यों ने खा। उनसे अस्थियां मांगो और अस्थियों के वज्र बना कर लड़ो, तुम्हारी विजय होगी। ऋषि दत्त जी के पास देवतागण पहुंचे, उन्होंने कहा कि ऋषिवर आपकी अस्थियां दे दीजिए, वज्र बनाकर हम लड़ेंगे। अब किसी की हड्डी अगर निकालोगे तो वो जीवित रहेगा कि मर जाएगा, क्या होगा? मर जाएगा। उनकी मौत मांग रहे हैं, दत्त जी की मृत्यु मांग रहे हैं, मरेगा तभी तो अस्थियां बाहर निकलेगी। उन्होंने कहा गाय को बुलाओ। गाय पास आई, गाय ने चाटना शुरू किया, चाटते चल रहे वे सब हड्डियां वज्र बन गई और उनको लेकर युद्ध किया। दानवों की हार हुई और देवों की विजय हुई। गाय की जिह्वा में वो शक्ति है, अगर वो चाटती है तो हड्डियां वज्र बन जाती है, गाय का बछड़ा पैदा होता है, चाट कर
उसकी हड्डियों को वज्र बना देता है, एक गाय का बछड़ा बैल बन जाता है, 10-10 क्विंटल की गाड़ी खींच कर ले जाता है, ये गाय की चूहा की ताकत है जिसको हम स्वीकार करना चाहिए। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले भर में खूब धूमधाम से की गई शिल्पी देव भगवान विश्वकर्मा की पूजा, तमाम कारखानों प्रतिष्ठानों आदि में मूर्ति स्थापित कर की गई आराधना। वहीं कई स्थानों पर सामूहिक भोज का भी किया गया आयोजन, उत्साह से भरा रहा माहौल। अरबों की योजना का किया गया उद्घाटन और शिलान्यास, सदर विधायक ने किया 4 योजनाओं का शिलान्यास। पीरटांड प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया उद्घाटन। इधर गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी किया 6 योजनाओं का शिलान्यास। सदर प्रखंड में ग्राम विकास महोत्सव का हुआ आयोजन, उपायुक्त राहुल सिन्हा समेत कई वरीय पदाधिकारियों की रही उपस्थिति। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास योजना की दी गई विस्तृत जानकारी। कईयों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। और प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को लेकर भाजपाइयों में दिखा खासा उत्साह। सदर अस्पताल में मरीजों के बीच किया गया फलों का वितरण। सदर अस्पताल की व्यवस्था का लिया गया जायजा। सदर विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता रहे कार्यक्रम में मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।